ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कानपुर के पुराने स्वामी नारायण मंदिर में भगवान हरि कृष्ण महाराज का पटोत्सव मनाया गया, जहां पहुंचे साधु संतों और भक्तों ने भगवान स्वामी नारायण को ताप्ती नदी में जल व दूध से अभिषेक किया। भगवान हरि कृष्ण महाराज का पटोत्सव बुरहानपुर में धूमधाम से मनाया गया, जहां गुजरात सहित देश भर से साधु संत और भक्त पहुंचे थे। यहां भक्तों ने भगवान स्वामी नारायण का ताप्ती के पवित्र जल व दूध से अभिषेक किया गया। माना जाता है कि 1882 में हरिभक्त वडताल गुजरात के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में गए थे, तभी भगवान स्वामी नारायण ने प्रसन्न होकर बुरहानपुर के हरिभक्तों को नारायण भगवान की मूर्ति भेंट की थी। साथ ही वरदान दिया था कि बुरहानपुर के हरिभक्त हमेशा धन ध्यान से परिपूर्ण होंगे और सदैव भगवान के साथ हरिभक्त भी लड्डुओं का सेवन करते रहेंगे। बुरहानपुर में भगवान हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 40 वर्ष बाद हुई थी। यहाँ पहुँचे भक्तों की हर मुरादे पूरी होती है। हाँ, आज हरि कृष्ण महाराज यानी हमारे स्वामीनारायण भगवान आज 152वां पाटा उत्सव है। वैसे लक्ष्मी नारायण देव को 193 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे गुजरात से गोपालानंद स्वामी के शिष्य बालमुकुंद स्वामी यहाँ 40 साल के बाद आने के बाद मंदिर की भव्यता उन्होंने नया मंदिर बनाया था और उसमें एक हरि कृष्ण महाराज की स्थापना की थी। हरि कृष्ण महाराज हमारे उपास्य इष्ट देव है। उनका 152 वर्ष हुआ प्रतिष्ठा को, तो आज उनका बर्थडे का दिन था, यानी हम उनको गुजराती में पाटा उत्सव बोलते हैं। वो पाटा उत्सव का दिन था, आज हमारे हरि कृष्ण महाराज का अभिषेक था। सुबह षोडश उपचार से हमने अभिषेक किया, दूध केसर पंचामृत से और 56 भोग भी लगाया। अन्नकूट की भी आरती हमने 10:30 बजे आरती की और सभी भक्तों को खूब आनंद आया। बुरहानपुर के भक्त लोगों को खूब आनंद आया। जय स्वामीनारायण। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।